सहारा में किस किस ने काम किया मैं बताता हूं, सुनिए अभी सुनिए, पहले सुन लीजिए पहले, फिर बाद में बोलिएगा। उदयन शर्मा, उदयन शर्मा न भारत टाइम्स के संपादक, बड़े बड़े अखबार समूह के संपादक, एसपी सिंह, एसपी सिंह कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, वो मैं नहीं कह रहा हूं, एसपी सिंह आज तक के जो आज तक चैनल देख रहे हैं ना उसके संस्थापक डायरेक्टर में से एक, आज तक के एसपी सिंह का नाम सुना होगा आपने, एसपी सिंह काम किया। नामवर सिंह, दूधर मूधर मूर्धन्य मूर्धन्य समालोचक नामवर सिंह, जेएनयू के प्रोफेसर नामवर सिंह, समझे। मंगलेश डबराल, कवि मंगलेश डबराल, वो भी सहारा में काम किए, समझ गए कि नहीं। सुरेंद्र कुमार, अरे कौन, नहीं, नहीं, मैं सर वही बोल रहा हूं, मैं सर वही बोल रहा हूं आशुतोष जी, अरे भाई मैं कह रहा हूं कि इस देश का मूर्धन्य पत्रकार अंग्रेजी और हिंदी का सबने सहारा में अपनी सेवा दी, सबने। मैं वही कह रहा हूं सर, जब और जब आप आते हो, सहारा का न्यूज़पेपर आज भी बहुत ही पारदर्शी से न्यूट्रल न्यूज़पेपर हुआ करता था। देखिए आप उसमें जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को मैं साफ साफ कह दूंगा कि चोरों की जमात थे सब लोग और सब चोरी कर रहे थे। सुनिए, मैं सर आशुतोष कैसा लाला करते रहे थे, आशुतोष जी मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने जाते हो तो आपको थोड़ी मालूम रहता है कि आपका मालिक चोरी करने वाला आने वाले दिनों में। मैं सुब्रत राय के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, सुब्रत राय ने देश के मूर्धन्य पत्रकारों को अपने यहाँ ज्वाइन करवाया और पहला मैगजीन उन्होंने लॉन्च किया और उस मैगजीन में पहली स्टोरी सुब्रत राय के ही खिलाफ छपी, ये थे पत्रकार, समझे। अब आपने कहा कि आपने कब छोड़ा सहारा, आपने पूछा तो मैं बताता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, एक मिनट, पूछा, जिस वक्त सहारा में दलाल पत्रकारों की एंट्री हुई उसी वक्त आशुतोष पाठक ने सहारा को बाय बाय कह दिया। दलाल जब आकर के बैठ गए ना तो सहारा में आशुतोष पाठक ने बाय बाय कर दिया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, उन्हीं दलालों के भटका गुमराह करने से आज ये सहारा की दुर्गति हुई है। जो कोर्ट को मैनेज करवा रहा था, जो वकील को मैनेज करवा रहा था, जो दलाली करवा रहा था, पैसे लुटवा रहा था, फेंक रहा था, करोड़ों रुपए बना रहा था, नहीं तो एक पत्रकार 1000 करोड़ का होगा क्या, बताइए आप, 1000 करोड़, बिल्कुल 1000 करोड़ की उसी सहारा में काम करने वाले पत्रकार की, और आज उसी सहारा में काम करने वाले पत्रकार सुसाइड कर रहे हैं, हो रहा है, समझे बात को। तो ऐसे भी सवाल है साहब, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टोटैलिटी में चीजों को समझना चाहिए, उसको रखना चाहिए, और तब ध्यान दे करके हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें निवेशकों का हित है, और वो 12 लाख 10 लाख जितने लोग कार्यकर्ता है ना साहब, ये आप मान के चलिए बहुत सारे लोग जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है। अभी देखा सोनेलाल जी ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि सर मुझे सेबी क्या होता है हमको मालूम ही नहीं था, मैं बहुत सैल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को, इतने इनोसेंट लोग थे सब जो पैसा लाते और परफॉर्म करना चाहते थे, बोलते थे कि अरे आज हम अगर 2 लाख लाएंगे कल 4 लाख लाएंगे तो कमीशन तो मिलेगा ही, हमारा नाम भी होगा, हम बेहतर परफॉर्मर हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए हमेशा संदेह मत कीजिए, सुब्रत राय गुजर गए ये बात सही है, लेकिन आप अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहिएगा तो एक बिजनेसमैन को बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। गुजर गए सहारा से ही, जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि खराब से खराब व्यक्ति की भी आलोचना नहीं करते हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं पैसा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आखिरी दम तक सहारा के निवेशकों के साथ ये लड़ाई लड़ते रहूंगा, ये कहते हुए भी कि मुझे सहारा से अच्छे संबंध हैं, मैं ये, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि सहारा का टॉप से टॉप प्रबंधन आशुतोष पाठक पर उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये किसी बदनीयत से हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको ये मालूम है, ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई सहारा को भी फायदा पहुंचाएगी, जान लीजिए, उनको पता है कि मैं बदनीयत से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं ईमानदारी से निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं ये भी तहकीकात, मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं पता करना चाहता हूं कि आखिर उस दौरान जब मान लीजिए कि देखिए जब बड़ी कंपनी हो जाती है, जब आप ही अगर बिजनेस करने लगेंगे प्रवीण जी और थोड़ा आपका आपके आप शरीर से पजामा बड़ा हो जाएगा,
तो कई बार गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोग उसमें फायदा उठाते हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, ऊपर तक भी मैनेज होता है। अरे कौन पाक साफ है साहब, आप कह रहे हैं अभी अदानी ग्रुप कोई छिपा हुआ है किसी से, क्या अंबानी ग्रुप कोई छिपा हुआ है? मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मुंबई में मैं अंबानी के घर के बाहर से निकल रहा था, मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए थे वकील साहब, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये घर है अंबानी जी का, पुराना घर जो था व्हाइट हाउस कहलाता था। उन्होंने कहा कि देखिए इस घर की खासियत क्या है, अंबानी जी बढ़े कैसे आगे, सरकार में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे ना, बैंकों में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे ना, उनको जाकर के प्रलोभन देते थे और कहते थे कि भैया तुम्हारा क्या पैकेज है, तो 2 लाख रुपया, हम तुमको 12 महीने का सैलरी ये रखो एडवांस, आ जाओ हमारे साथ और मेरे लिए काम करो, ऐसे काम होता था सर। तो कोई भी कॉरपोरेट पाप से बचा हुआ नहीं है, कुकर्म से बचा हुआ नहीं है जो कोई भी बड़ा है। सुब्रत रॉय अकेले खाली वही खाली कुकर्मी थे, ऐसा नहीं है साहब, सारे बिजनेसमैन कहीं ना कहीं घपला घोटाला फ्रॉड करके आगे बढ़े हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर हमको एक मिनट सर समय दीजिए, एक मिनट सर, पहले क्या हुआ सर, उसमें सर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक मिनट सर, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, पहले बहुत कंपनी, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि पहले फाइनेंशियल के वक्त में ऐसा नहीं था, बड़े बड़े लोगों को चेहरा को जोड़ा गया ताकि ये लोग रहेंगे तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, ये एक बिजनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा फंडा था, और विदेशों में जो है अमेरिका में होटल खरीदा गया, लंदन में खरीदा गया, क्या क्या खरीदा गया, और हम लोगों को बताया जाता था प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर हो, हर जगह लिख करके आता था सर। हमारा कहने का मतलब है सर कि पहले क्या हुआ ना हुआ क्या सर, अभी वर्तमान में सर, वर्तमान में एक मिनट टाइम लगा सर। अच्छा नागेंद्र जी, प्रवीण जी को बोले दीजिए, प्रवीण जी।